हमारी जो गांव की महिलाएं होती थी, आदिवासी महिलाएं होती थी, वो उनका दिनचर्या किस तरीके का होता था इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। उनका वेशभूषा कैसा होता था इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। ये बाजार गई हैं जी, बाजार से घड़ा खरीदी है जी, साइड में एक मुर्गा ली है जी, पीठ पीछे बेतरा बांध कर ये घाटी चढ़ रही है जी। और क्लासरूम देख लीजिए। और आपको बता दूं कि ये जो स्कूल है, इस विद्यालय का जो नींव रखा गया था, जैसा कि यहाँ के चचा है उनका कहना 1954 में, लेकिन इसमें एडमिशन ऐसे नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद एक एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। कि एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए तेज बच्चों का मानसिक विकास हो जी, ये विद्यालय उसी उद्देश्य से खोला गया जी। तो अभी मैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के ग्राउंड के बाहर खड़ा हूँ, और ये जो है इतना फेमस स्कूल है झारखंड का, इतना चर्चित स्कूल है झारखंड का, कि यहाँ पर इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो है होड़ लगी रहती है, लेकिन इसमें एडमिशन ऐसे नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद एक एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, तब जाके इस नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको रहने खाने का भी इंतज़ाम करा दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस विद्यालय को 1954 में स्थापित किया गया था, और इस विद्यालय की कहानी आप सुनिएगा आगे, मैं यहाँ के जो बहुत ही पुराने एक चचा हैं उन्होंने बताई है। और ये इस विद्यालय की जो संरचना है, यह ढांचा कहेंगे, इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इसका ग्राउंड देख लीजिए, पहले ऐसा लग रहा है कि कोई दिल्ली का एक बहुत ही अच्छा पार्क है। और देख लीजिए, नेतरहाट का मतलब समझ जाइए कि नेचर से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रकृति के बहुत ही नज़दीक है ये स्कूल, और इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं, दिखाइए, मतलब पुराने ज़माने के जो नेता हुआ करते थे, या जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनकी क्या सोच रही होगी कि उन्होंने इतने अच्छे से इसको डेवलप किया है, बनाया है, देख सकते हैं। मतलब ये नेचर से घिरा हुआ है क्षेत्र है। आपको बता दें कि झारखंड के लातेहार ज़िले में ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय पड़ता है, और ये झारखंड का सबसे अच्छा स्कूल कह सकते हैं, मतलब सरकारी स्कूल। और आपको बता दें कि ये CBSE बोर्ड के द्वारा चलता है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये एक प्रतिमा है ना चचा, ये एक प्रतिमा है। इसमें, इस प्रतिमा में ये दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है कि एक महिला है, एक महिला जो है अपने सर पे घड़ा रखी हुई है, और पीछे जो है अपने बच्चों को ली हुई है। इतना अच्छा प्रतिमा, इस प्रतिमा को दिखाइए, और चचा से पूछते हैं कि इस प्रतिमा की कहानी क्या है। चचा बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। डिटेल में हम बता रहे हैं जी, ये जो देख रहे हैं झारखंड की सांस्कृतिक सभ्यता को दर्शाया गया है। झारखंड की सांस्कृतिक सभ्यता को दर्शाया गया है, इनके बारे में बताइए। हाँ, इन्हीं के विषय में, ये आदिवासी महिला हैं, ये बाजार गई हैं, बाजार से घड़ा खरीदी है, साइड में एक मुर्गा ली है, पीठ पीछे बेतरा बांधकर ये घाटी चढ़ रही हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त श्रीमती राधा सिंह के निर्देशानुसार यहाँ के प्रिंसिपल, बच्चे, शिक्षक, कलाकार राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है। ये महिला लोकल नेतरहाट पसेरी पाट ग्राम की रहने वाली है जी। ये महिला बहुत गरीब परिवार की है जी। ये सोची कि अगर मैं बस से यात्रा करता हूं तो 40 दुनी 80 रुपया लग जाएगा, इसलिए इन्होंने अपनी यात्रा ट्रैक्टर से की। ट्रैक्टर एक्सीडेंट में लगभग 3 वर्ष हो जा रहा है, इस लेडीज का निधन हो गया है। इसकी प्रतिमा का यही विशेषता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा इसको दर्शाया गया, इस प्रतिमा को। और आप देख सकते हैं, नेतरहाट श्री रचना क्रम आरंभ और समाप्ति की तिथि लिखी हुई है ना चचा। तो इसमें आप देख सकते हैं डेट बराबर दिया हुआ है, कितने साल में बना हुआ है, ये कितना समय लगा बनाने में। इस स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, मतलब सिलेक्टेड बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक सर है, और ये सकने कि हमारे चचा समान है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गणेश शर्मा हुआ। गणेश शर्मा जी, सबसे पहले इस विद्यालय के बारे में बताइए, नेतरहाट विद्यालय के बारे में। ना तो आम काम्य राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनोभवम, काम्य दुखत नामी प्राणी जी। ये जो है हमारे एक शिक्षक थे जिनका नाम था सुरेश प्रसाद जी, झा जी उनको कहते थे जी। वो तो मर गए, लेकिन वही लिखे हैं जी। और वो इसमें लिखे हुए कि ना मुझे राज्य की लालच है जी, ना मुझे स्वर्ग की लालच है जी, मुझे दुख दरिद्रों की सेवा करने का ही लालच है जी। इसका हिंदी में यही मतलब हुआ जी।
तो अंदर चलते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो है नेत्रहाट विद्यालय में कितने कक्षा तक पढ़ाई होती है सर? यहाँ है 6 से लेकर 10+2 है, ये CBSE हो गया है। अच्छा, आप CBSE हो गया है, झारखंड बोर्ड से नहीं होता है? नहीं, CBSE हो गया। ये जो सामने पिक्चर देख रहे हैं ये जब देश आजाद हुआ तो शास्त्री जी और राजेंद्र प्रसाद का प्रस्ताव था कि एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए तेज बच्चों का मानसिक विकास हो। ये विद्यालय उसी उपदेश से खोला गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये LP सिंह जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह, शिक्षा मंत्री जार बद्रीनाथ और FG पियर्स जी, ये लोग 2 महीना भ्रमण किए। अच्छा, यहाँ झारखंड में? नहीं, बिहार में। अच्छा, और बिहार जो है सबसे बड़ा राज्य था उस समय जी, बिहार था जी, उड़ीसा था जी, और बंगाल का ही ये सब कुछ कुछ हिस्सा था जी। लेकिन जगह इन्हें कहीं पसंद नहीं आई जी। रांची के पास एक ब्राम्बे है जी, तो वहाँ जगह इन्हें पसंद आया जी। पियर साहब, ये शिक्षाविद थे पियर साहब जी, ये बोले कि इसे गोपनीय रखा जाए जी, और आगे बढ़ा जाए जी। आगे बढ़ने के बाद इस जगह को हम 3 नाम से पुकारते हैं जी, नेत्रहाट, नेतरहाट और नेचर हाट। अच्छा, तीनों का 3 मतलब हुआ। जी, क्या हुआ? एक का मतलब आँख हुआ, दूसरे का मतलब बांस हुआ और तीसरे का मतलब प्राकृतिक दृश्य हुई जी। और ये तो आपको बता रही, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं पियर्स साहब का विद्यालय इंग्लैंड में था जी, उसी नक्शे को बिहार सरकार को दिया और बिहार सरकार ने ही इस विद्यालय को जो है सो बनाया जी। इस रुकना चाहूंगा, ये मतलब आजादी से पहले का स्कूल है ना? नहीं, आजादी के बाद ही। अच्छा, आजादी के बाद? आजादी के बाद ही, पहले का स्कूल नहीं है। तो यहाँ इस विद्यालय से IAS और IPS बहुत निकले। अच्छा, अब उतना तो हम लोग पास हिसाब किताब नहीं है। जी, और अभी भी नेत्रहाट स्कूल के बच्चों का जो है रफ्तार जो है पढ़ाई की प्रतिक्रिया में अभी भी आगे की ओर ही बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो है सो इनका जो प्रस्ताव था जी, और बच्चे तो आप तो जानते ही हैं जी। कहने का मेरा मतलब हुआ कि संघत से गुण आते हैं, संघत से गुण जात है। आप जैसा दोस्ती करेंगे वैसा बनेंगे। अगर शराबी से आप दोस्ती करेंगे तो शराबी बनेंगे, और चोर से दोस्ती कीजिए करेंगे तो चोर ही बनेंगे जी, जी, जी। और जुआड़ी से दोस्ती करेंगे तो जुआड़ी ही बनेंगे, और ज्ञानी से दोस्ती करेंगे तो आप ज्ञान की बात सीखेंगे, सीखेंगे। यहाँ के बच्चे जो हैं सो राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेश में मकड़े के जाल के समान जो हैं सो ये बच्चे बिछे हुए हैं, और उन्हें हम नोवा कहते हैं। नोवा समय पर बहुत काम करती है, और आपको जो है सो अभी हमारी पत्नी जो है हाल में बीमार पड़ी, हमने गुरु नानक हॉस्पिटल में थे, तो गुरु नानक जो हॉस्पिटल जो है, गुरु नानक हॉस्पिटल रांची में थे हम। गुरु नानक हॉस्पिटल जिस तरह गाय का दूध दुहा जाता है अब तो हम दुहा गए, और हम 4th ग्रेड के अप्लाईमेंट, मेरा दिमाग जो है सो खराब होने लगा। तो हम क्या किए, जब मैंने बिल देखा 4.5 लाख का, मेरा माथा जो है सो ठनक गया एकदम। मैं रिम्स गया, नेत्रहाट स्कूल के नोवा थे, नोवा लोग मुझे बहुत सहयोग किए। नोवा के बारे में बताइए, नोवा ये होते ये पुराने छात्र हैं? अच्छा, पुराने छात्र? हाँ, पुराने छात्र को हम नोवा कहते हैं। अच्छा, यहाँ के पुराने छात्र को आप लोग नोवा कहते हैं? हाँ, नोवा कहते हैं। अनोवा आपको यहाँ देश में नहीं, राज्य में नहीं, विदेश में भी बड़े बड़े पोस्ट पर। अच्छा, अभी भी हैं जी। नोवा सहयोग करते हैं। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ा जी, आगे चलते। ये जो आप देख रहे हैं जी, हमारे एक श्रीमान जी थे जी, जिनका नाम था मलिक हबीब गुफरान। अच्छा, मलिक हबीब गुफरान। हाँ, वो कृषि विभाग के वैज्ञानिक भी थे जी, और यहाँ पर टीचर भी थे जी। जिस समय ट्रेनिंग में विदेश गए हुए थे तो इस तरह का उन्होंने 3 पौधा लाया। अच्छा, ये विदेश का पौधा? हाँ, फर्स्ट बार में वही लेकर यहाँ लगाए थे नेत्रहाट स्कूल में। एक ये पौधा होगा, एक पौधा आपको बाहर में है। अच्छा, बाहर में। और एक जो है सो भाभा आश्रम में है जी। अब आगे की ओर बढ़ा जाए और आप लोगों को और कुछ बताऊंगा जी, जी, जी। हमारे एक श्रीमान जी थे जी, वो केरल के रहने वाले थे जी, जिनका नाम था स्वर्गीय KN वासुदेवन जी। केरल वासी जो हैं
आपको सांप पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं जी, केरलवासी, केरलवासी जी। तो बरसात का मौसम था जी, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई लोग मकई लगाए हुए थे जी। सियार जो सांप जो है जी, सियार को निगल चुका था जी। तो हमारे श्रीमान जी को मालूम हुआ जी। अब मालूम होने के बाद उन्होंने क्या किया जी, हाथ में दस्ताना लिया जी, और ड्राम लिया जी, चिमटा लिया जी, धीरे धीरे कर कर जी, उसको ड्राम में डाला जी। और ये जो लकड़ी के स्टैंड में देख रहे हैं जी, ये लकड़ी के स्टैंड में, यहाँ सामने देखे लकड़ी के स्टैंड में जी, ये सांप जो सो काफी मोटा था जी, इसकी मोटाई इतनी थी उस समय जी। लेकिन श्रीमान जी भी, मैं श्रीमान जी जो हैं सो इसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका बाहर में प्रिंसिपल गृह में हो गया था जी। तो उस समय ये सांप मर चुका था, मरने के बाद इसमें जो है सो केमिकल देकर ये लकड़ी के स्टेन में जो देख रहे हैं हमारे के एन वासुदेवन श्रीमान जी, ये लकड़ी के स्टेन में है। ये जो सामने देख रहे हैं जी, ये कृषि बगान है हमारे विद्यालय, विद्यालय का कृषि बगान है। तो यहाँ बच्चों को खेती करने के लिए सिखाते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे किस सीजन में कैसे हमको कौन सा खेती करना, खेती करना जी। तो अभी इस बगान में जो आप देख रहे हैं नस्पति का खेती किया गया है, नस्पति लगा हुआ है। हाँ, नस्पति लगाया गया है। अब कितना है ये मैं बता नहीं पाऊंगा जी। और उधर जो आप देखिए कुछ आलू का भी यहाँ पर खेती होती है। बच्चों को हर खेती करने के लिए जी, बच्चों को जैसे कि जाड़ा में जी, बरसात में कौन सी सब्जी होगी, गर्मी में कौन होगी, तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी जैसा कि मैं आपको झारखंड का सबसे अच्छा विद्यालय कह सकते हैं इसको, और ये सरकार दो चलाती है, झारखंड सरकार या ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, भारत सरकार, पता है ये आपको? तो CBSE है। आप अच्छा। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा जी, CBSE है और हाँ। ऐसे झारखंड सरकार हमको लगता है। अच्छा, झारखंड सरकार चलाती है। और ये जो देख रहे हैं जी, ये बायोलॉजी विभाग का है। अच्छा, ये इस खुलता नहीं है, अभी नहीं खुलेगा, अभी अच्छा। चाबी मैंने दूसरे जगह है। अच्छा, तो बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पर जो देख रहे हैं जी, ये सब सारी व्यवस्था की गई है जी। और यहाँ पर यहाँ के टीचर जो होते हैं विद्वान होते हैं जी, और अक्सर बच्चे जो भी पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं जी, यहाँ पर बच्चे जरूर पढ़ने के लिए आए हैं जी। आगे चला जाए और मैं बता रहा हूँ, ये जो सामने ये पिक्चर जो देख रहे हैं हाँ, ये पेंटिंग देख रहे हैं जी, रवि भूषण नाम का जी, एक लड़का था जी, इनके गुरु का नाम था जी, AK Sinha ji। अच्छा, रवि भूषण जी के गुरु का नाम था AK Sinha ji। AK Sinha ji जो है पटना के रहने वाले थे जी। ये पेंटिंग जो दे रहे हैं 1980 में जी, ये पेंटिंग आपको बनाया गया है ये वाला। हाँ, ये दर्शाया गया है कि पहले की ग्रामीण महिलाएं जी, किस तरह काम करती थी जी, धान पीटना, धान ओसोना, ढेकी करना जी, सारा काम करती थी। वो तो वो हो गया, मतलब हाँ, इनके विषय में मैं नहीं बता सकता जी, जो मुझे जानकारी रहेगा। अच्छा, एक मिनट मैं बताता हूँ हाँ। दर्शकों देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी झारखंड के सबसे अच्छे विद्यालय नेतरहाट विद्यालय में हूँ, और जो कि आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर इंट्रेंस के द्वारा आपको पढ़ने आना पड़ेगा, कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई होती है और यहीं पे आपको रह के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 1980 में एक छात्र के द्वारा पेंटिंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं, और इस पेंटिंग में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि एक महिला है, अपने पीठ पे बच्चों को बांधी हुई है और सूप से कुछ फटक रही है, धान फटक रही है, और बगल में कुछ रखा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। मतलब पहले के ज़माने में जो है हमारी जो गाँव की महिलाएँ होती थी, आदिवासी महिलाएँ होती थी, वो उनका दिनचर्या किस तरीके का होता था इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है, उनका वेशभूषा कैसा होता था इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है और यूनिक पेंटिंग है, आप देख सकते हैं, जो कि नेत्रहाट के एक छात्र के द्वारा बनाया गया है, और रवि रंजन शिक्षक विभाग अध्यक्ष, कंप्यूटर विभाग के शिक्षक है, देख सकते हैं आप हाँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमको लगता है कि बहुत ही पुराना भवन है ना, 1954 का भवन है, मतलब आज़ादी से ठीक 7 से 8 साल बाद ये भवन भवन बनना शुरू होगा, और उसी समय 1-2 साल में बनाया गया। ऊपर देखिए सोलर प्लेटें लगी हुई है बहुत सारी, तो यहाँ पर बिजली वगैरह कटती है क्या? बिजली कटती है, तो इस वजह से सोलर का इंतजाम कर दिया गया। हाँ, सोलर का है ना, कि भाई सबको बराबर हाँ, बिजली मिले। नहीं नहीं, आप बिल्डिंग के लिए है। अच्छा। क्लास पीरियड में जैसे कि प्रैक्टिकल के समय में होगा जी, तो उस समय नहीं मने हाँ, दिक्कत नहीं होगी जी। तो आप बहुत सारे लोग जो है आप नेतरहाट विद्यालय
विद्यालय के बारे में सुनते होंगे, पेपरों में पढ़ते होंगे, और बहुत सारे बच्चों का सपना होता होगा कि मैं जो है नेत्रहाट विद्यालय में अगर पढ़ता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम निकलना पड़ेगा। नीचे आइए चाचा। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के क्लासरूम में खड़ा हूँ, और क्लासरूम देख लीजिए, और आपको बता दूँ कि ये जो स्कूल है, इस विद्यालय का जो नींव रखा गया था, जैसा कि यहाँ के चाचा है उनका कहना है 1954 में आज़ादी के बाद बनाया गया है, लेकिन अभी भी जो है आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छा है, बराबर पंखा लगा हुआ है, वहाँ पर देख लीजिए बोर्ड भी बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है अनुपात के हिसाब से बच्चे बैठते होंगे। देख सकते हैं ये इसका जो बनावट है, जो आप देखते हैं ना कि जैसे मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में या सिनेमा देखने जाते हैं, तो जैसे कोई छोट जैसे आगे बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर सेम लेवल में रहेगा तो पीछे वाले को हो सकता है यहाँ पर कम दिखे, लेकिन आगे इसका लेवल डाउन है, उसके इसके इससे जो है थोड़ा सा इसका लेवल ऊंचा है, इसका और ऊंचा है, इसका और ऊंचा है, ऐसे जाइएगा तो सबसे ऊंचा है, मतलब वो प्रॉपर एक मतलब सोची समझी प्लानिंग के साथ ये क्लासरूम को बनाया गया है, और बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं ये झाड़ू साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद हो गया है, उसके बाद हम आए हैं। तो ये नेत्रहाट विद्यालय का एक क्लासरूम था, और क्लासरूम काफ़ी अच्छा है देखने में, आप देख सकते हैं, आप दिखाइए कैमरामैन, आ जाइए बाहर।